बोर्ड एग्जाम्स ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें 10th में आके देना होता है, मैंने ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं तुम्हें डरा सकूं। ओके, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इस पे व्यूज बहुत आएंगे। खैर, मैं जब 10th में आया, मेरे पापा ने मुझे ये बताया कि बोर्ड्स कितने अहम होते हैं। देख बेटा, ये बोर्ड एग्जाम्स ऐसे कोई चिल्लर एग्जाम नहीं होते, और अगर तेरे बोर्ड्स नहीं निकले तो तेरी जिंदगी नल्ले विकास जैसी हो जाएगी। ये विकास कौन है? विकास तो मेरा क्लासमेट था, लोग कहते थे वो टॉप करेगा बट वो फेल हो गया। अच्छा? हाँ, और लोग तो ये भी कहते कि उसके फेल होने के पीछे किसी का हाथ था। अब हाथ किसका था ये मुझे नहीं पता, बट हाँ किसी का तो था। तो ऐसे समझाया मेरे पापा ने कि बोर्ड्स कितने अहम होते हैं, एंड आई वाज लाइक चल विकास, मैं तो एनिमी देखूंगा। और ऐसे करके मैं एनिमी देखने लगा, एक खत्म होता मैं दूसरा लगाता, दूसरा खत्म होता मैं तीसरा लगाता, और ऐसे करके 6 महीने हो जाते हैं। कितना नालायक बेटा आपका, कुछ सिखाते विकाते हो कि नहीं इसको, 2 पीरियोडिक टेस्ट में फेल हो चुका ये। अरे मैं तो इसको पूरा समझाता हूँ लेकिन ये तो दिन भर कार्टून देखते रहता है, कार्टून। पापा उसको कार्टून नहीं बोलते हैं। चुप रहा बिल्कुल। देखिए प्री बोर्ड एग्जाम सारे, अगर उसमें पास नहीं हुआ तो हम नहीं दे रहे इसको हॉल टिकट। अब सर की ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, तो मैं गया अपने दोस्त रोहित के पास नोट्स लेने। हे रोहित, क्या भाई मुझे तेरे नोट्स चाहिए। मैं नहीं दे रहा। ठीक है भाई, ये रोहित में कितना एटीट्यूड है यार, साला नोट्स ही नहीं दे रहा था, अकेले ही मिल जाए एक दिन, साले को छोड़ूंगा नहीं। ओ, मैं क्या कह रहा था कि रोहित बेस्ट है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ यार, और एक बार तो इसने एग्जाम में मेरी हेल्प भी की थी, मेरे को एक आंसर नहीं आ रहा था तो इसने वो बता दिया मुझे। तो ऐसे करके थोड़े लफड़ों के बाद मुझे नोट्स मिल गए, बट मोटिवेशन अभी भी गायब था। ओए अमन। हाँ बोल। भाई मुझे टॉपर बनना है। नहीं तू नहीं बन सकता। क्यों? देख तुझमें टॉपर बनने जितने गट्स नहीं है। भाई ऐसा नहीं बोल सकता तू। ठीक है फिर, ये देख ये मंचूरिया है, समझ ली ये तेरे मार्क्स है। ठीक है। ओके ये मेरे मार्क्स है, जा बचा ले अपने मार्क्स। मेरे मार्क्स? भाई तू सही बोल रहा है, मैं टॉपर नहीं बन सकता। तो मेरी हालत देख के मेरा दोस्त एक स्टडी ग्रुप बनाता है। अब उस स्टडी ग्रुप में अमन को छोड़ के बाकी सब लोग नल्ले होते हैं। तो अब जब हम अमन के घर गए तो हमने पढ़ाई को छोड़ के वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, जैसे सीनियर्स को फेक अकाउंट से परेशान करना, ओ माय गॉड, GTA खेलना, अमन को मारना। एंड ये अमन तो खुद इतना बड़ा ढप्पल है, ये हमें बुला के खुद वीडियोस देखने लगा। अब मुझे नहीं पता है कैसी वीडियोस देख रहा था, बट हाँ इतना पता है कि ये वीडियोस देख रहा था। एंड वी डोंट नो हाउ उधर पे अमन का छोटा भाई आ जाता है, एंड अब हम सब पढ़ाई का नाटक करने लगते हैं। हाँ हम इससे पहले पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बट जब इसका भाई अंदर घुस गया हम पढ़ने का नाटक करने लगे। एंड आई डोंट नो व्हाई ये अमन को अभी भी मस्ती करनी थी तो ये मेरे कान में अपने हेडफोन्स लगाया था, एंड मेरे को सुनाई देती 69 लोगों की आवाजें, व्हाट द फक। एंड अब मैं उस चीज पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था ना कि मुझे तो ये पता भी नहीं चला कि कब अमन के छोटे भाई ने मुझसे हेडफोन लिया और खुद के कान में लगा दिया। अब उसको सुनाई देती है 69 लोगों की आवाजें। तो अब उस दिन के इंसिडेंट के बाद मैं ये समझ जाता हूँ कि भाई अब ग्रुप में तो पढ़ाई हो नहीं सकती, तो मैं बनाता हूँ एकदम फाड़ू सा टाइम टेबल जिसमें पढ़ाई को छोड़ के मैं सब कुछ लिख देता हूँ। तो ऐसे ही अब मेरा टाइम टेबल बिगाड़ने के बाद मैं आराम से मेरा 1 महीना बर्बाद कर देता हूँ, और अब मेरे पास बचते सिर्फ 10 दिन पढ़ाई करने के लिए, तो अब मैं पढ़ाई करने लगता हूँ। एंड जब तुम इतनी सारी पढ़ाई एक साथ करते हो ना तो तुम चीजों को ओवर थिंक करने लगते हो, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड आई डोंट नो व्हाई जब तुम ओवर थिंक करने लगते हो ना तो तुम्हें पुरानी बेकार सी बातें याद आने लगती है, एंड तभी तुम्हें कुछ क्रिंजी से याद आता है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब इतना ओवर थिंक करने के बाद मेरे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैं लेता हूँ 1-2 मिनट का ब्रेक, एंड उस ब्रेक के दौरान मेरा भाई टीवी में कुछ देख रहा होता है जिसको देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये क्या देख रहा है? पता नहीं। तो जब ये सब शिट करके मैं आ जाता हूँ, मैं अपने वॉच की तरफ देखता हूँ, मैं देखता हूँ सोने का टाइम तो हो चुका है, बट मैं सोता नहीं हूँ क्योंकि कोई भी अपने एग्जाम के पहले सोता नहीं है यार, तो मैं भी नहीं सोया। ओए नीचे देख, वो अजीब सी बालों वाले अंकल कुछ कर रहे हैं। अबे सो जा, वो बस एक अंकल है। वो अंकल नाच रहे हैं। सो लाइक दैट मैं अपनी रात भी बर्बाद कर देता हूँ, एंड मैं थोड़े से टॉपिक्स पढ़ के चले जाता हूँ, एंड आई पास द एग्जाम, मेरे को हॉल टिकट मिल जाता है, एंड थिंक व्हाट, बोर्ड्स में मुझे आते 70%, या बोर्ड्स में मुझे 70% आते हैं बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। एंड तुम इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो जिनने बोर्ड्स लिख दिए हैं या लिखने वाले हैं। एंड कमेंट करके बताओ तुम्हारे बोर्ड एक्सपीरियंस। और मैं मिलता हूँ तुमसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक।